विंडीज से T20 सीरीज हारने के बाद आग बबूला हुए कप्तान हार्दिक पांड्या। शर्मनाक हार के बाद टीम इंडिया के कप्तान हार्दिक पांड्या ने दिया बड़ा प्यार। इन खिलाड़ियों पर फोड़ा हार का ठीकरा, बताई कहां हुई सबसे बड़ी गलती। वेस्टइंडीज ने भारत को 5वें T20 में हराकर 3-2 से सीरीज अपने नाम कर ली। वनडे विश्व कप से बाहर हुई वेस्टइंडीज के लिए भारत के खिलाफ मिली है जीत उसके आत्मविश्वास को बढ़ाएगी और भविष्य में बेहतर टीम के निर्माण में मदद करेगी। वहीं हार भारतीय टीम और कप्तान हार्दिक पांडे के लिए काफी निराशाजनक रही। सीरीज में 2-0 से पिछड़ने के बाद भारतीय टीम तीसरा और चौथा मैच जीतकर टीम ने जोरदार वापसी की, लेकिन 5वें मैच में बल्लेबाजी एक बार फिर से फ्लॉप रही, जो हार की सबसे बड़ी वजह बनी। हार के बाद आइए जानते हैं टीम इंडिया के कप्तान हार्दिक पांडे ने क्या कहा। हार्दिक ने सीरीज हारने के बाद प्रेजेंटेशन के दौरान कहा, हमने जो लह पाई थी वो खो दी, हमारे पास सुधार का समय है। हारना कई बार अच्छा होता है, हमने सीरीज में बहुत कुछ सीखा, लड़कों ने अच्छा खेला, इसके लिए उन्हें बधाई है, सबने बेहतर करने की कोशिश की, ये बहुत अच्छा है। हार और जीत लगी रहती है, अगला विश्व कप यही होना है, उम्मीद करता हूँ दर्शक बड़ी संख्या में आएंगे। फिलहाल जो मैच देखने आए और हमारा समर्थन करने आए उन्हें धन्यवाद देता हूँ। आपको बता दें कि भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 9 विकेट के नुकसान पर 165 रन बनाए। वेस्टइंडीज की तरफ से रोमारियो शेफर्ड ने 4 विकेट, जबकि अकील हुसैन और जेसन होल्डर ने 2-2 विकेट ली। रोस्टन चेज को भी 1 विकेट मिला। 166 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी वेस्टइंडीज ने ब्रेंडन किंग के 55 गेंदों पर खेली गई नाबाद 85 रनों की पारी के दम पर 18 ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर 171 रन बनाकर मैच 8 विकेट से अपने नाम कर लिया और सीरीज भी जीत ली। भारतीय कप्तान हार्दिक पांड्या ने जब टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी सुनी तो ऐसा लगा कि फ्लैट पिच टीम इंडिया 200 के आसपास का स्कोर करेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। सूर्य कुमार यादव को छोड़कर सभी बल्लेबाज फ्लॉप रहे। सूर्य ने 45 गेंदों पर 61 रनों की शानदार पारी खेली, अगर वे नहीं चले होते तो शायद भारतीय पारी 100 रन के आसपास से सिमट जाती। तो आप इस वीडियो पर अपनी राय दीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस स्पोर्ट्स के साथ।